आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 0.2 है सॉल्यूशन में, तो लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर में 10 के इक्वल। अगर लोअरिंग 20 के इक्वल हो जाती है तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा पी कितना है हमारे पास? 10। पी नॉट हमें कैलकुलेट करना है। मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर रही हूँ सॉल्यूट के लिए। ये कितना दिया हुआ है हमें? 0.2। तो यहाँ से पी नॉट अगर मैं निकालूँ वो कितना आ जाएगा? 50 mm। अब जब हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग सेकेंड, ये फर्स्ट केस लिख देते हैं, ये सेकेंड केस लिख देते हैं। तो इस केस में 20 अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक है, ये हमें अगर कैलकुलेट करना है तो पी नॉट तो वही रहेगा, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 50 इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। ये क्या आ जाएगा यहाँ से? 0.4। मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कितना है ये? 0.4। अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो वो क्या हो जाएगा? टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 माइनस 0.4, ये कितना आ जाएगा? 0.6। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।